Aslam Mukhamjeeb, I'm Hulusha Ashraf, and I'm a producer and a TV show host with Dawn News. And I'm here today at cricket at the Gwalior Stadium. It's fantastic. Sare Pakistani se sirf ye kehna chahungi ki isko promote kare aap jitna kar sakte hain. It's the newest and one of the bestest, most scenic cricket grounds in Pakistan. And it feels really nice. So this is just about promoting tourism. कि हमारे लोग आएँ ग्वालियर को इन्जॉय करें अच्छे तरीके से उसको देखें और रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ इन्जॉय करें बहुत ज़बरदस्त आई एम वेरी प्राउड आई एम वेरी हैप्पी और मुझे यूजुअली खुले स्टेडियम्स अच्छे लगते हैं क्योंकि मुझे लगता है कि हम अपने लोगों को बहुत बंद बंद रखते हैं यू नो यू फील लाइक एनिमल्स इन केजेस ठीक है आई अंडरस्टैंड कि क्राउड थोड़ी राउडी हो जाता है बट आई थिंक क्योंकि ये एक स्मॉलर शहर है और बहुत सीनिक है तो हम इसको अच्छे तरीके से अगर मेनटेन रखें और फैमिलीज एंड पीपल कैन एंजॉय मैचेस फॉर अ लॉन्ग टाइम बिल्कुल होने चाहिए वाई नॉट अगर आप न्यूजीलैंड वगैरह की तस्वीरें देंगे तो उनके मैचेस ऐसी स्टेडियम से होते हैं हमारी स्टेडियम में वो हरियाली होती है कुछ किताबें पढ़े होते हैं कुछ लोग अपनी टीम से सपोर्ट करते हैं एंड एक फेस्टिव माहौल होता है जो हम चाहते हैं कि हम पाकिस्तानी तब भी लेकर आएँ क्योंकि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप फेस्टिविटीज़ को प्रमोट करें इस तरीके से क्योंकि पूरी दुनिया देखती है और उनको भी लगता है कि यार दे गॉट मोर देन वॉट पीपल से बिल्कुल वाई नॉट मेक अ ट्रिप आप कराची से ना हम लोग आते हैं रहते हैं यहाँ का स्टेडियम देखना यहाँ का पानी इतना खूबसूरत है उसमें स्कूबा डाइविंग करना उसमें फिशिंग करना वाटर स्पोर्ट्स को इनक्रेज करना क्रिकेट को इनक्रेज करना आई थिंक दिस कुड बी अ ग्रेट स्पोर्ट्स हब ऑल्सो वी वेंट टू पाकिस्तान पॉइंट मैं काफ़ी लोकल से भी रबते में रहती हूँ क्योंकि मैंने समंदर में बहुत टाइम गुजारा है ग्वादर की पानियों में तो अगर आप नेचर पसंद है आपको समंदर पसंद है पहाड़ पसंद है हाइकिंग पसंद है तो मेरे हाल से और खूबसूरत शहर अगर पसंद है तो ग्वादर इज़ अ ग्रेट ऑप्शन एंड कम अप एज द नेक्स्ट बिग सिटी इन पाकिस्तान नहीं मैं ग्वादर जाती रहती हूँ लेकिन स्टेडियम मैं पहली दफ़ा आई हूँ मेरा स्कूबा डाइविंग लाइसेंस मुझे यहीं से मिला था इन्हीं पानियों से मिला था जहाँ हमने जाके कुछ मछलियों के साथ काम करने की कोशिश की थी तो ये काम चलते रहता है और इसको खुलते हुए भी अच्छा लग रहा है लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ और आराम से इंशाल्लाह मिलाऊंगा थैंक यू